Let us see the next question. Xper Limited is engaged in large retail business in India. It is contemplating for expansion into a country of Africa by acquiring a group of the stores having same line of operation as that of India. The exchange rate for the currency of the proposed African country is extremely volatile. The rate of inflation is presently 40% a year. Inflation rate in India is currently 10% a year. Management of Xper Limited expects that these rates are likely to continue for the foreseeable future. Estimated projected cash flows in real terms, highlight the portion in real terms, in India as well as African country for the first 3 years of the project are as follows. The cash flow de rakha hai in 1000 term in rupee currency. Cash flows de rakha hai in African rand term, again it is provided to us, say in 1000 term. कैश फ्लोज हमको दे रखा है ईयर जीरो से लेके ईयर थ्री तक का. Xper Limited assumes that से द ईयर थ्री नॉमिनल कैश फ्लो विल कंटिन्यू टू बी अर्न्ड ईच ईयर फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड. इट इवैल्यूएट्स ऑल इन्वेस्टमेंट्स यूजिंग नॉमिनल कैश फ्लोज एंड नॉमिनल रुपी डिस्काउंटिंग रेट. द प्रेजेंट एक्सचेंज रेट इज 6 अफ्रीकन रैंड टू रुपी 1. यानी कि एक्सचेंज रेट दे रखा है से 6 अफ्रीकन रैंड टू रुपी 1. यू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट हाईलाइट द पोर्शन एनपीवी ऑफ द प्रपोज इन्वेस्टमेंट कंसीडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. फर्स्ट, अफ्रीकन रैंड कैश फ्लोस आर कन्वर्टेड इनटू रुपीस एंड डिस्काउंटेड एट रिस्क एडजस्टेड रेट. यानी यहाँ पे बहुत क्लेरिफिकेशन के साथ दे रखा है कि आपको होम करेंसी अप्रोच में ही आंसर करना है. सेकेंड, ऑल कैश फ्लोस फॉर दिस प्रोजेक्ट विल बी डिस्काउंटेड एट 20% टू रिफ्लेक्ट इट्स हाई रिस्क. डिस्काउंटिंग रेट हमको दे रखा है 20% का एंड दैट इज ऑफकोर्स से द डिस्काउंटिंग रेट इन रुपीज टर्म. इग्नोर टैक्स, दैट्स ओके, एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है. प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, ओवर हियर क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा वो थोड़ा डिस्कस करते हैं. पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से दीज कैश फ्लोज आर इन रियल टर्म. तो बेसिकली क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो कैश फ्लोज रियल टर्म में है ना, उसको नॉमिनल टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर वी डू द डिस्काउंटिंग. दैट इज फॉर से द फर्स्ट थिंग. दूसरा, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि हमको यहाँ पे एक्सचेंज रेट दे रखा है, एट द सेम टाइम से हमको यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट का इंफॉर्मेशन दे रखा है. सो इन स्टेप नंबर 1 वी विल हैव द कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट यूजिंग ट्रिपल पीटी. सेकेंड स्टेप हमारा एज यूजुअल, जिसपे हम लोग एक कन्वर्जन वाला कैसे होता है मल्टीप्लीकेशन से या डिविजन से वो हम लोग कर देंगे. और उसके बाद ये क्वेश्चन में थर्ड स्टेप इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड स्टेप में हमको कैश फ्लोस का कैलकुलेशन करना है और वो जो कैलकुलेशन है उसमें हमको इन्फ्लेशन को भी ध्यान में लेना है. कैसे वो अभी हम लोग समझते हैं. चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलोंग विद मी. इन दिस क्वेश्चन we have to follow home currency approach as provided in the question.
Now, write down step number one, calculation of forward exchange rate, South African rand per rupee. Or we understand it is African rand per rupee. Using purchasing power parity theorem. So using triple PT हमको ये calculate करना है. In that write down, column number 1 is year, column number 2 is exchange rate, it is African rand per rupee. We have been provided that so the rand currency ka rate of, sorry, inflation rate is 40%. So, dekho kaise kiya jayega, 6 into 1.40 divided by 1.10. सेकेंड ईयर के लिए फ्रेंड्स क्या किया जाएगा, 6 into 1.40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगेन 1.10 का स्क्वायर. थर्ड ईयर में वापस वही किया जाएगा, 6 into 1.40 raised to 3 डिवाइडेड बाय 1.10 raised to 3, ऐसा किया जाएगा. Now I request you to use your calculator, 1.4 divided by 1.1. तो ये जो आंसर आएगा ना फ्रेंड्स, उसको हमें क्या करना है, हर बार देखो इसको मैं मेमोरी प्लस में डाल देता हूँ. अभी इसको क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ईयर के एंड का एक्सचेंज रेट क्या आएगा, 7.6364. और कुछ नहीं करना है, इनटू वापस हमको क्या करना है फ्रेंड्स, मेमोरी रिकॉल MR, एंड से यू प्रेस इज इक्वल टू, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकेंड ईयर का रेट मिल जाएगा 9.7190. थर्ड ईयर के लिए और कुछ नहीं करना है, इनटू वापस आपको क्या करना है, मेमोरी रिकॉल, एंड से विद दैट से यू विल बी एबल टू गेट द थर्ड ईयर रेट 12.3696. That is the way we'll compute the forward exchange rate starting from end of year 1 to end of year 3. So, this is step number 1. Ho gaya. Step number 2, in the write down, conversion of foreign currency into domestic currency. Friends, spot exchange rate हमको दे रखा है 6 African rand per rupee. ऐसा हमको यहाँ पे spot exchange rate दे रखा है. Now investment कितना, वो मैं हम लोग देखते हैं friends. Investment हमको दे रखा है 2 lakh. So using that, so we'll make the calculation of answer. And if equation ही form करना होता है, so we understand it is African rand and rupees. 6 African rand is equal to 1 rupee. So 2 lakh African rand is equal to how much rupees is the question. तो हम लोग क्या करेंगे friends? हम लोग ऐसा करेंगे. It is 2 lakhs into 1 divided by 6. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, let's say the cash flows in African rand currency term divided by exchange rate करेंगे तो हमारे पास domestic currency का cash flow आ जाएगा. तो छोटा सा equation to just understand how to do that answer. Step number 3, उसमें कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी.
और ये आंसर होगा रुपीज टर्म में. इन दैट वर्किंग नोट नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोस इन रुपीज टर्म. तो यहां पे फ्रेंड्स हमको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ द कैश फ्लोस इन रुपीज टर्म ईयर वन टू ईयर थ्री, पहले तीन साल के लिए. यहां पे हमको क्वेश्चन में एक ऐसा पॉइंट दे रखा है फ्रेंड्स दैट अज्यूम दैट ईयर थ्री नॉमिनल कैश फ्लो विल कंटिन्यू टू बी अर्न फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड. इसका भी क्या इंप्लीकेशन है वो अभी मैं आपको समझाता हूं. पहले हम लोग ये पहले तीन साल का कैश फ्लो का कैलकुलेशन कर लेते हैं. देखो अभी हम लोग ऐसा करेंगे, इट इज ईयर जीरो, एंड ऑफ ईयर वन, एंड ऑफ ईयर टू, एंड ऑफ ईयर थ्री, ऐसा करके हम लोग लिखेंगे. कैश फ्लोस अफ्रीकन रैंड करेंसी टर्म में हमको दे रखा है क्वेश्चन में, इट इज 2 लाख कैश आउटफ्लो. उसके बाद दे रखा है 50, 70 एंड 90, 50,000, 70,000 or 90,000. Language of the question is extremely clear. So this cash flow is in real term. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कैश फ्लोस को नॉमिनल टर्म में कन्वर्ट करेंगे. कैश फ्लोस अफ्रीकन रैंड करेंसी टर्म में ईयर जीरो में लिखेंगे वापस 2 लाख, एंड ऑफ ईयर वन में हम लोग लिखेंगे 50,000 × 1.40 raised to 1, सेकेंड ईयर में लिखेंगे 70,000 × 1.40 raised to 2, थर्ड ईयर में लिखेंगे 90,000 × 1.40 raised to 3, ऐसा किया जाएगा. सो 50,000 × 1.4, तो फर्स्ट ईयर के एंड का क्या होगा 70,000. तो हमने क्या किया, इसको नॉमिनल टर्म में कन्वर्ट किया. डियर स्टूडेंट्स, हमने एक क्वेश्चन आगे किया था जिसमें हमने ऐसा समझा था कि नॉमिनल कैश फ्लोस जो होता है उसका कैलकुलेशन होता है रियल कैश फ्लोस इनटू 1 + inflation raised to n number of years, ऐसे करके उसका कैलकुलेशन होता है. सेकेंड ईयर में क्या किया जाएगा, 1.4 × 1.4 × 70,000, दैट कम्स टू 137,200. थर्ड ईयर के लिए 1.4 × 1.4 × 1.4 × 90,000, 2,46,960. ऐसा करके हमारे पास कैश फ्लोस आ जाएगा सबसे पहले से नॉमिनल टर्म में. फिर हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग उसको एक्सचेंज रेट यूज करके हम लोग उसको हमारी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे. जैसे कि ईयर जीरो का एक्सचेंज रेट क्या है 6, वैसे सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का एक्सचेंज रेट हमको मालूम है. वी नो दैट से जो भी हमारा फॉरेन करेंसी का कैश फ्लोस है उसको एक्सचेंज रेट से डिवाइड करके हमारे पास रूपी करेंसी का कैश फ्लोस आएगा. तो एक्सचेंज रेट का वैल्यू मैं यहां से लिखूंगा 7.6364. उसके बाद 9.7190, उसके बाद 12.3696, ऐसा करके वी विल बी हैविंग सद ईयर वन टू ईयर थ्री. अच्छा, उसके बाद वी विल गेट द कैश फ्लोज इन रुपीज टर्म. सो यूज योर कैलकुलेटर, 2 lakh divided by 6, दैट कम्स टू 33,333.
उसके बाद 70,000 डिवाइडेड बाय 7.6364, सो 9167 या 9166.62। उसके बाद 137,200 डिवाइडेड बाय 9.7190, 14,116.68। थर्ड ईयर में 2,46,916 डिवाइडेड बाय 12.3696, दैट कम्स टू 19,965। ऐसा करके से ये कैश फ्लोज आएगा हमारे पास रुपीस टर्म में। फिर हम लोग कैश फ्लोज रुपीस टर्म में हमको क्वेश्चन में दे रखा है ना, उसको यहां पे लिखेंगे। हमको दे रखा है 50,000 और फिर 1,500, 2,000 और 2,500। सो 50,000 को एज इट इज लिखेंगे। नाउ ये जो बाकी के रुपी करेंसी के कैश फ्लोज है ना फ्रेंड्स, उसके लिए अगेन क्वेश्चन में क्लेरिफिकेशन है। सो दैट इज इन लाइक द रियल टर्म, तो उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, नॉमिनल टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो नाउ फर्स्ट ईयर का एंड का है 1,500 का कैश आउटफ्लो इनटू क्या किया जाएगा, 1.10 किया जाएगा। सेकेंड ईयर का है 2,000, उसको क्या किया जाएगा, 1.10 raised to 2 किया जाएगा। थर्ड ईयर का है 2,500, उसके लिए क्या किया जाएगा, 1.10 raised to 3 किया जाएगा। ऐसा करके उसको एंड ऑफ ईयर 1 to end of year 3 के टर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। सो इट इज 1,650 नेगेटिव, उसके बाद 1.1 का स्क्वायर इनटू 2,000, That is 2,420। उसके बाद 1.10 का क्यूब इनटू 2,500, सो इट इज 3,327.50। ऐसा करके हमारे पास कैश फ्लोज आ जाएगा रुपीस टर्म में, और उसके बेसिस से फ्रेंड्स हमारा नेट कैश फ्लो कैलकुलेट होगा। तो ईयर जीरो का नेट कैश फ्लो क्या होगा फ्रेंड्स, पता है आपको, इट इज 83,333 आउटफ्लो। एंड ऑफ ईयर वन का इनफ्लो क्या होगा, 9,166.62 माइनस 1,650, तो हमारे पास आ जाएगा 7,516.62। एंड सिमिलरली सो फॉर द सेकेंड एंड थर्ड ईयर इट विल बी कैलकुलेटेड। सी इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट कि हम लोगों ने क्या किया, ये कैश फ्लोस नॉमिनल टर्म में रियल टर्म में से सबसे पहले नॉमिनल टर्म में कन्वर्ट किया यूजिंग द एक्सचेंज रेट, उसको हमने हमारी करेंसी में कन्वर्ट किया। हमारी करेंसी के कैश फ्लोस यहाँ पे हमने नॉमिनल टर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद इसके साथ एडजस्ट करके वी गॉट द नॉमिनल कैश फ्लोस इन द रुपीज टर्म। आगे क्या करना है वो मुझे आपको समझाना पड़ेगा, इतना आंसर पहले लिख लीजिए आप लोग। सेकेंड ईयर के लिए 14,116.68 माइनस 2,420, सो इट इज 11,696.68। 1,965.08 माइनस 3,327.5, सो इट इज 16,637.58। तो ऐसा करके हमने ईयर जीरो टू ईयर थ्री के कैश फ्लोज का कैलकुलेशन किया। ये हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट है ईयर वन टू ईयर थ्री के कैश फ्लोज रुपीज टर्म में। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर टू जो कि ये क्वेश्चन का हमारा नया पॉइंट है, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि जो भी हमारा थर्ड ईयर का कैश फ्लो होगा दैट वी आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम एंड ऑफ ईयर फोर ऑनवर्ड्स फॉर परपेचुटी। यानी हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, फोर्थ ईयर के एंड से परपेचुटी के लिए जो आपको कैश फ्लोस मिलने वाला है उसको थर्ड ईयर में डिस्काउंट करना पड़ेगा।
तो वर्किंग नोट नंबर टू में हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ P3। P3 का कैलकुलेशन कैसे होगा फ्रेंड्स, फ्री कैश फ्लो फॉर द फोर्थ ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसा करके P3 का कैलकुलेशन होगा। फोर्थ ईयर का दैट इज कैश फ्लो क्या होगा, 16637.58 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 20%। सो 16637.58 डिवाइडेड बाय 0.2 इट कम्स टू 83,187.9। ये कौन सा साल का कैश फ्लो है फ्रेंड्स, ये थर्ड ईयर का कैश फ्लो है, दैट इज ईयर 3 एंड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमको फोर्थ ईयर एंड ऑनवर्ड्स फॉर परपेचुइटी जो भी कैश फ्लोज मिलने वाला है वो सारा का सारा कैश फ्लोज हमने थर्ड ईयर के एंड में डिस्काउंट किया, उसका मतलब ऐसा होता है। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज सो द फ्री कैश फ्लो। फ्रेंड्स हमारा एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है जिसका नाम है सिक्योरिटी वैल्यूएशन। तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन के चैप्टर में ये वाला पॉइंट, ये वाला पोर्शन बहुत डिटेल में डिस्कस होता है। आखिरी में अभी हमारा एनपीवी का कैलकुलेशन होगा। इन दैट ईयर 0, एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2, एंड ऑफ ईयर 3 हमारे पास कैश फ्लोस ऑलरेडी रुपीज टर्म में है। ईयर 0 क्या क्या है, 83,333.33 जो मैंने ऊपर नहीं लिखा था। एंड ऑफ ईयर 1 का कितना है, 7,516.62। एंड ऑफ ईयर 2 का कितना है, 11,696.68। एंड ऑफ ईयर 3 का कितना है, 16,637.58 प्लस ये वैल्यू कितना होगा, 83,187.9। अच्छा, नाउ वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर 16637.58 प्लस 83,187.9 इज इक्वल टू 99,825.48। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि हमको थर्ड ईयर का बिजनेस क्या है, हमारा थर्ड ईयर का बिजनेस ये है, और ये क्या है, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स फॉर परपेचुइटी जो भी हमको मिलने वाला है उन सबका थर्ड ईयर का वैल्यू है। अच्छा, इसको डिस्काउंट करना है एट द रेट ऑफ 20%। ईयर 0 का फैक्टर होगा 1, हमको 20% का ईयर 1 टू ईयर 3 का फैक्टर क्वेश्चन में रेडीमेड दे रखा है, तो हमको अपना कैलकुलेट नहीं करना है फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स। सो फर्स्ट ईयर के एंड का है 0.833, सेकेंड ईयर का फैक्टर है 6940, थर्ड ईयर का फैक्टर है 0.579, उसके बेसिस से हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर ईयर 0 का है 83,333.33। नाउ फर्स्ट ईयर का क्या होगा फ्रेंड्स, इट इज 7,516.62 जो भी आंसर है इनटू 0.833 दैट कम्स टू 6261.34 11,696.68 into 0.6940 8,117.50 99,825.48 into 0.579 that comes to 5,798.95। अच्छा, तो ये तीन का प्रेजेंट वैल्यू का टोटल 6261.34 प्लस 8,117.50 प्लस 5,798.95
जो भी आंसर है माइनस 83,333.33, हमारा एनपीवी आता है नेगेटिव 11,155.54। तो अनफॉर्चुनेटली एनपीवी नेगेटिव होने की वजह से हम लोग ऐसा लिखेंगे कि हमको प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सो बेस्ड ऑन दिस वी टेक अ डिसीजन कि प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए। राइट ऑन आंसर डिसीजन। डू नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, ऐसा करके हम लोग डिसीजन लेंगे। लेट अस हैव जस्ट अ रिविजन ऑफ द एंटायर आंसर। ये क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंटली ऐसा दे रखा है कि आपको होम करेंसी अप्रोच से आंसर करना है, तो ऑफकोर्स हम लोग वो करा दैट इज से होम करेंसी अप्रोच से आंसर करेंगे। सितंबर 1 में हमने फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फाइंड किया है, उसके लिए हमको सिर्फ इन्फ्लेशन रेट का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इसलिए हमने ट्रिपल पी टी का रेट यूज किया। सितंबर 2 कन्वर्जन वाला वो तो बहुत आसान है कि डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे डिवीजन है। सितंबर 3 उसमें मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस बार सबसे पहले हमने रुपी करेंसी के कैश फ्लोज फाइंड किए। कैसे किए? जो कैश फ्लोज हमको रुपी करेंसी के साउथ अफ्रीकन रैंड करेंसी के क्वेश्चन में दे रखे थे, सबसे पहले उसको हमने नॉमिनल टर्म में कन्वर्ट किया। फर्स्ट ईयर का है 70,000, सेकेंड ईयर का है 137,200, थर्ड ईयर का है 246,960। यूजिंग द एक्सचेंज रेट से उसको हमने रुपी करेंसी में कन्वर्ट किया। रुपी करेंसी का जो कैश फ्लो है उसको वापस हमने इन्फ्लेशन रेट से एडजस्ट किया, क्यों? क्योंकि वो हमको रियल टर्म में दे रखा है। रुपी करेंसी का कैश फ्लोज आ गया। तो यहाँ पे ये वर्किंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। सेकेंड वर्किंग नोट से जो मेरे हिसाब से अगेन इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ ईयर 4 ऑनवर्ड्स फॉर परपैचुटी जो भी हमको कैश फ्लोज मिलने वाला है उन सबका हमने थर्ड ईयर का वैल्यू कैलकुलेट किया। उसके बाद एनपीवी का कैलकुलेशन, ईयर 0, ईयर 1, 2, ईयर 3 का कैश फ्लोज जो हमने कैलकुलेट किया है और P3, इन सबको हमने जोड़ दिया। डिस्काउंटिंग फैक्टर 20% हमको क्वेश्चन में रेडीमेड दे रखा है और उसका एनपीवी फाइंड किया। अनफॉर्चुनेटली एनपीवी नेगेटिव है, इसलिए हम लोग ऐसा लिखेंगे कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। चलो राइट ऑन अ नोट फॉर द आंसर। फॉर द पर्पस ऑफ एनपीवी कॉमा कैश फ्लोस आर टू मी कन्वर्टेड इनटू नॉमिनल टर्म बाय यूजिंग इन्फ्लेशन रेट, फुल स्टॉप, विथ पैराग्राफ राइट डाउन। P3 मीन्स अमाउंट ऑफ कैश फ्लो टू बी रिसीव्ड फ्रॉम फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स कॉमा डिस्काउंटेड एट द एंड ऑफ ईयर 3, फुल स्टॉप। फ्रेंड्स वन मोर अ स्मॉल क्लेरिफिकेशन दैट वन मोर क्लेरिफिकेशन दैट ये जो हमको 20% का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्वेश्चन में दे रखा होता है ना, वो हमेशा नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। तो नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी यूज्ड टू डिस्काउंट ओनली द नॉमिनल कैश फ्लो। दैट इज द रीजन इट इज एसेंशियल दैट से वी कन्वर्ट
रियल कैश फ्लो इंटू नॉमिनल, और उसके बाद ये नॉमिनल कैश फ्लोज को हम लोग डिस्काउंट करेंगे एट 20% फॉर द पर्पस ऑफ एनपी।